कोरोना कोरोना कोरोना, ये शब्द डर का दूसरा नाम बन गया। कोई छींके या खांसे तो लोग उसे घूरने लगे हैं, क्योंकि उन लोगों में जानकारी का अभाव है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुमार विशाल, आज मैं आपके सामने मोटिवेशन की नहीं, इंग्लिश ट्रेनर की नहीं, बल्कि मैं एक दोस्त की हैसियत से आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें आपकी चिंता है, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो इस बात का पता कैसे लगाएंगे? हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इस वीडियो में हम इस सवाल को जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को में या कुछ खास लक्षण पाए जा रहे हैं, उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में रखने की सलाह दी जा रही है, ताकि कोरोना वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। अगर आपको बुखार है या लगातार खांसी हो रही है, आपको 7 दिनों तक घर में ही रखना चाहिए। दोस्तों, और जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, उन्हें 14 दिनों तक अपने घर में रहना चाहिए। आपको खाने और दवाइयाँ आपको घर पर ही पहुँचनी चाहिए दोस्तों। लेकिन इसको आपको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ साधारण बुखार है या कोरोना वायरस का अभाव आपको अटैच कर रखा है? दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस में 2 प्रमुख लक्षण होते हैं, देयर आर 2 कॉज। पहला लक्षण है कि लगातार सूखी खांसी आना, और दूसरा बुखार। अगर किसी में दोनों लक्षण या इनमें से कोई एक भी लक्षण अगर आपके पास हैं, तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा छींक रहे हैं या आपकी नाक बह रही है, तो आपके अगर सिर दर्द भी हो रहा है, तो आप बीमार भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको बुखार होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि तकनीकी तौर पर आपके शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉरेन हाइट से भी ज़्यादा हो गया है, तो आपको बुखार है। आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो रहा है, तो आपको और आपके साथ रहने वाले जितने भी सारे लोग हैं, वो 2 हफ्ते यानी 14 दिनों तक आपको घर पर ही रहने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले रहते हैं, तो 7 दिनों तक घर पर ही रहना होगा, और आपका बुखार और खांसी ठीक ना हो तो उस पर तुरंत आप अपने डॉक्टर से ही संपर्क करें और कोरोना टेस्ट को ज़रूर करवाएं। अब मैं कोरोना वायरस अवेयरनेस की बात करूंगा। मैं आपको कुछ सलाह देने जा रहा हूं, जिससे आप इस वायरस से बच सकें, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपको क्या करना है कि आपके पास हमेशा मास्क रखें। मास्क रखने से क्या फ़ायदे हैं, किसी का भी सलेबा आपके अंदर नहीं जा सकता, तो मास्क सबसे पहले बेनिफिट है आपके लिए, कि मीन्स एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक बचने के लिए रोका जा सके। स्टेप नंबर टू क्या है कि हर जगह हैंड स्टेनाइजर का प्रयोग करें, जहां पर भी है, यानी आपके घर पे एंट्री रूम में आप जैसे ही एंट्री पॉइंट करते हैं, उस घर के एंट्री पॉइंट पर स्टेनाइजर का प्रयोग जरूर रख दें, या आपके घर में कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा स्थान हो जहां पर हैंड वॉशिंग के लिए स्टेनाइजर का प्रयोग करें, और कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को जरूर सॉप से या स्टेनाइजर से साफ करते रहें। चाहे वो ऑफिस का वेडिंग रूम हो, स्टेनाइजर आप वहाँ पर भी रख सकते हैं, चाहे आपको कस्टमर्स केयर, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आसपास होते हैं, तो हैंड स्टेनाइजर का प्रयोग आप उस जगह पर कर सकते हैं। और हैंड स्टेनाइजर का प्रयोग हर किसी को करने के लिए ज़रूर कहिए, चाहे वो आपके घर की बाई हो, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, चाहे वो आपके दरवाज़ा खोलने वाला पीएन हो, या आपको पानी पिलाने वाला पेंट्री हो, यानी जो भी हो, उसका स्टेनाइजर का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 3, चेहरे पर हाथ ना लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि हाथ इन्फेक्शन पालने का एक बहुत बड़ा जरिया है। नाक के पास अपने हाथों को ना ले जाएं, यूं तो ऐसा मुंह पर ना ले जाएं, इससे सारी चीज़ों से बचें, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अपनी हाथों को फेस यानी अटैचमेंट मत करें, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी उंगलियाँ अंदर तक जरूर जाती हैं, जिससे पहले हैंड वॉशिंग को करना ज़रूरी है। स्टेप नंबर 4, यानी किसी भी खांसने वाले यानी संगीत व्यक्ति, जो खांसने वाले व्यक्ति हैं, उनसे दूरियां बना कर रखें, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति खांसता है तो उससे 1 से 2 मीटर की दूरी ज़रूर रखें, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि जब कोई आदमी खांसता है तो उसको 2 से 6 फीट तक उसे दूरी बना के रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जब भी उसके मुँह से सलाइवा निकले, या मीन्स कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करते समय छींके, तो कम से कम 2 से 3 फीट तक जनरली की खास उसकी छींटे पड़ती है। तो सबसे पहले आप उससे दूरियां बना के रखें और अपने आप को बचा सकें, ओके। स्टेप नंबर 5, दोस्तों, जब तक कोरोना वायरस है, तब तक चीज़ों को शेयर ना करें। जो भी चीज़ होते हैं आपको शेयर ना करें, चाहे वो आपका डियर हो
या आपका नियर हो, कोई भी वस्तु आप उसको शेयर ना करें। क्योंकि जब भी कोई आदमी बाहर से आता है और उसकी चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो डियर हो चाहे वो नियर हो, तो इससे सबसे पहले है कि आप उसे दूरियां बना के रखें। इससे और आपसे अधिक प्रेम बढ़ेगा, ना कि उल्टा, और आपको मीन्स लोग चिंताएं बनेगी क्योंकि आप उसका ख्याल रखते हैं, तो आप उसकी क्योंकि चिंता कर रहे हैं। तो सबसे पहले डियर और नियर किसी भी व्यक्ति का चीज़ के प्रयोग को प्रयोग ना करें, शेयर ना करें। ओके, स्टेप नंबर 6 आपको क्या करनी है, आप अपने घर में साफ़ सफाई पर आप ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि कौन सी सी चीज़ है जो हम कोई ना कोई चीज़ हम बार बार छूते हैं, चाहे वो बाहर की डोरबेल हो या दरवाजे की नोब हो, फ्लोर हो, चेयर हो, बोतल हो, स्टडी टेबल हो, इन सारी चीज़ों को आप ये हर बार साफ़ सफाई जरूर नहीं करें। क्योंकि कोई भी वायरस की लाइफ 24 आवर्स तक रहती है। यदि आप 2 या 3 दिन के बाद साफ़ सफाई करेंगे तो लोगों में इन्फेक्ट होने की संभावना है। स्टेप नंबर 7 मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ भी खाने वाले से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से ज़रूर धोएं। डियर फ्रेंड्स, या सैनिटाइजर का आप प्रयोग कर सकते हैं या आप किसी भी सॉप का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल रिस्क ना लें। ताकि जब तक आप हाथ को बिल्कुल अंदर, क्योंकि सारा हाथ आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। दोस्तों, पूरी दुनिया में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ों को हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 3,286 पीपुल डेथ हुए हैं टिल अभी तक, और इतने लोग मीन्स 95,484 पर्सन अभी भी इससे पीड़ित हैं। और ये जरूर चिंता का विषय है, दुख का विषय है, और ये दुख और कुछ खुशी का भी विषय है दोस्तों। क्योंकि अभी इतने सारे लोग, यानी 553,870 लोग रिकवर हो चुके हैं। याद रखिए दोस्तों, सावधानी ही बचाव है, और इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, घरों से मत निकलिए जब तक कोई रिकवरी नहीं होता है। तो मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के बाद। बाय टू ऑल।